आखिरकार क्यों कोई नहीं समझ पा रहा है बैंक कर्मियों का दर्द। नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा काम का वजन बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों पर आ गिरा है। पिछले एक सप्ताह में बैंक कर्मियों ने इतना काम किया है जितना पूरे एक साल में भी नहीं किया होगा। शनिवार और रविवार की छुट्टी भी ना मिलना, भोर होते ही बैंक में आना और देर रात के बाद जाना। बीते दिनों में तो कई दिन कर्मचारियों ने लंच तक नहीं किया। इसके बाद भी लोग कहीं ना कहीं बैंक कर्मचारियों को पैसे ना मिलने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मगर पीएम मोदी की मुहिम को मुकाम तक पहुंचाने में लगे बैंक कर्मियों को पीएम मोदी ने बधाई दी है। अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले लगभग तो प्रधानमंत्री द्वारा जो घोषणा की गई कि 500,000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे, उसके बाद नई करेंसी चलेगी, तो इसमें पूरे एक सप्ताह से जो अहम योगदान बैंक कर्मी निभा रहे हैं इस घोषणा को सफल बनाने में, उसको लेकर आपका क्या कहना है? बेसिकली जो सरकार की योजनाएं हैं, अधिकतर योजनाएं जो हैं बैंक के थ्रू ही होती है, क्योंकि बैंक फाइनेंस से डील करती है, तो नेचुरल है कोई भी फाइनेंशियल जो भी स्कीम होगी वो बैंक के थ्रू ही डेवलप स्टार्ट होगी और वही उसको सक्सेस बना सकते हैं। इसमें बैंक कर्मचारी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, बैंक सोल्जर की तरह काम कर रहा है, इसमें कोई दो शक नहीं है। पहले भी घोषणाएँ होती थी, ये नॉर्मल काम चलता था, लेकिन जो बर्डन एक साथ आया है उसको लेकर आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, क्या होता है टारगेटेड प्रोग्राम होते हैं जो सरकार के, उसी ड्यूरेशन में क्या करना पड़ता है। जनधन योजना आई थी, उस समय भी सब बैंकों ने मिलजुल करके काम किया। आज ये योजना आई है, सरकार की कोई भी योजना है, बैंक हमेशा तत्पर है, बैंक स्टाफ सभी तत्पर रहते हैं। जी, बैंक कर्मी देखा जा रहा है कि बैंक कर्मी सुबह अर्ली मॉर्निंग बैंक में आ रहे हैं, देर रात तक काम कर रहे हैं, दिन में कभी कभी तो लंच करने का भी मौका तक नहीं मिलता बैंक, इसको लेकर कहेंगे आप क्या? ऐसा देखिए, जब कोई भी हमें कार्य करना है और नियत समय में करना है तो कुछ परेशानियाँ तो आती हैं, लेकिन बैंक कर्मचारी चाहे कोई भी हो, मेरे अलावा भी जितने भी बैंक कर्मचारी हैं, वो ही तन्मयता से काम कर रहे हैं, बिल्कुल सोल्जर की तरह काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, थोड़ी सी परेशानियाँ ज़रूर हैं इस तरह की, लेकिन अभी तक इस तरह से किसी भी स्टाफ में ऐसा देखा नहीं गया कि भी कुछ तरह की कोई तकलीफ हो। फिर भी मैंने कोशिश की है कि भी कुछ स्टाफ को मैं शिफ्ट में बुलाऊँ, कुछ को थोड़ा जल्दी बुला लेते हैं, कुछ को शाम तक लेट तक बुलाते हैं। जी, तो लोगों के साथ कैसा कॉपरेट चल रहा है बैंक द्वारा? लोगों का बिल्कुल पूरा सहयोग मिल रहा है। मैंने यहाँ पर टोकन सिस्टम शुरू किए 4-5 दिन से, उससे पहले बहुत लंबी लाइनें लगी रहती थी। टोकन सिस्टम शुरू करने से मॉर्निंग में आते हैं, टोकन इशू कर देते हैं उनको, टोकन देने के बाद जो है 25 आदमियों को हम लोग अंदर बुलाते हैं, कॉल करते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि अगर मान लो कि 200-250 आदमी अगर लाइन में लगा है तो उसको लगातार अपनी लाइन में अपने नंबर पर खड़ा रहना पड़ेगा, झगड़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, धूप आदि में खड़े रहते हैं, कहीं जा नहीं सकते अपना नंबर छोड़ करके। लेकिन टोकन देने के बाद अब उनको आइडिया हो जाता है कि मेरा नंबर कितनी देर में आने वाला है, तो वो अपना घर का बाकी काम भी कर सकते हैं। उस व्यवस्था करने के लिए आपने देखा होगा कि हमारे बैंक के बाहर जो अभी रश काफ़ी कम हो गया है, सीनियर सिटीजन की लाइन अलग है और लेडीज़ की लाइन अलग है और जेंट्स की लाइन अलग है, इन तीनों में बराबर टोकन बांट जाते पहले, तो उसके पश्चात जो है कैश एक्सचेंज करने वाले जो है सेपरेट काउंटर हैं लेडीज़ जेंट्स के, उसके अलग से काउंटर है। अंदर हम बड़ी कैश, मान लो कोई कस्टमर ऐसा कोई बड़ा कैश लेके आया हुआ है, तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की हुई है, 5 से 6 काउंटर हमने चालू कर रखे हैं इस पर।